हेलो फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूँ किरण, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम निकाल करके। मेरा वीडियो आपको वीक में 3 दिन मिलेगा, यानी कि मंगलवार को, गुरुवार को, रविवार को, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और संडेज को। तो बिल्कुल भी देखना नहीं भूले। शाम के 6:30 बजे आता है, तो ज़रूर से ज़रूर देखिए। आज का स्पेशल मेकअप ट्यूटोरियल है ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल है, यानी कि खुद से आप घर पे कैसे आराम से दुल्हन का मेकअप कर सकते हो, दुल्हन के जैसा तैयार हो सकते हो। बहुत ही सिंपल है, जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है बिल्कुल वैसा ही करें। आप आराम से जो है दुल्हन के जैसा तैयार हो सकते हो, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा और पार्लर जाने की झंझट नहीं होगी। पार्लर जाने पर आपको बहुत ही ज़्यादा खर्चे भी होते हैं, लेकिन आपके पास अगर सभी प्रोडक्ट्स हैं मेकअप के, तो आप आराम से इस तरह का ब्राइडल लुक तैयार कर सकते हो घर बैठे ही। तो बहुत ही सिंपल है इसको रिक्रिएट करना। अगर आप रिक्रिएट करते हो दोस्तों, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेंशन कीजिएगा हैशटैग किरण शंकर। तो ज्यादा बातें न करते हुए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज के मेकअप के लिए मैंने यहाँ गुड वाइब्स का पपाया हाइड्रेटिंग क्रीम ली हुई है। इसकी मदद से अपने पूरे फेस को हाइड्रेट करेंगे, मॉइस्चराइज करेंगे, क्योंकि दुल्हन का मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, इसलिए काफ़ी अच्छे से, अभी विंटर का सीजन है, तो पूरे बॉडी को, अपने फेस को हाइड्रेट जरूर करें। इसकी जगह पे आप कोई भी एसेंशियल ऑयल या फिर फेशियल सीरम लगा सकते हैं। साथ के साथ ही अपने होठों को भी लिप बाम के साथ हाइड्रेट करें। उसके बाद मैंने मैबलिन का बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर का यहाँ पे जो काजल है, उसकी मदद से यहाँ पे मैं एंगुलर ब्रश की मदद से अपने आईब्रो को फिल करूँगी, और इससे क्या होगा, आईब्रो आपका अट्रैक्टिव भी दिखेगा और काफ़ी अच्छा और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा। तो इसको फिल कर लेते हैं, और साथ के साथ ही ब्रश की मदद से इसको हम सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने डार्लिंग डार्लिंग आयसा बेला का कंसीलर लिया हुआ है, और साथ के साथ एक फ्लैट ब्रश लिया है। इसकी मदद से अपने आईब्रो को क्लीन करेंगे, इससे आपका आईब्रो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिखेगा। तो काफ़ी अच्छे से इसको क्लीन कर लेते हैं, और साथ के साथ ही ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको बहुत ही अच्छे से सेट करेंगे, ब्लेंड करेंगे। और उसका सेम हमने लिया है यहाँ पे कंसीलर, और अपने आईलिड पे भी काफ़ी अच्छे से इसको इस तरह से लगा करके, और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से काफ़ी अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। इसके ऊपर हम अपने आई शेडो वगैरह लगाएंगे, जिससे बहुत ही अच्छा लुक और इफेक्ट क्रिएट होकर के आएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कलर बार का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, और अपने कंसीलर हमने जहाँ आईलिड पे लगाया उसको बहुत ही अच्छे से इसको सेट करेंगे, जिससे बाद में हमारा बिल्कुल भी क्रीज ना पड़े और इसके ऊपर आई शेडो बहुत ही अच्छे से लगे। उसके बाद यहाँ पे मैं एक टेप ले रही हूँ, स्टिकी टेप है, कोई सा भी स्टिकी टेप इस तरह से आंखों के कॉर्नर पर इस तरह से लगाइएगा, तो आई शेडो का जो है बहुत ही अच्छे से और आँख का जो है बहुत ही खूबसूरत सा इफेक्ट आएगा। एले गर्ल का यहाँ पे बहुत ही अच्छा हमने आई शेडो पैलेट लिया है, उसमें से हमने यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर का एक शेड लिया हुआ है, और फिर यहाँ पे क्रीज लाइन पे लगाएंगे, और ये ट्रांजिशन कलर होगा हमारा, और जब तक आपको डिजायर कलर नहीं मिलता तब तक आपको ब्लेंड करते हुए इस कलर को लगाना है। उसके बाद दूसरा शेड हम ले रहे हैं, इसी में से डार्कर टोन है, ब्राउन डार्कर टोन है, और फिर इस तरह से फ्लैट ब्रश की मदद से, और आपको क्रीज लाइन के ऊपर इसको काफ़ी अच्छे से डार्क करके लगाना है, यानी कि अपने ट्रांजिशन कलर को और भी डार्क करते हैं और क्रीज लाइन को थोड़ा डार्क करते हैं, और फिर इसको ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। और उसका तीसरा शेड लेंगे, वो हमारा है ब्लैक शेड, किसी भी आई शेडो पैलेट में से ब्लैक शेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लैट ब्रश की मदद से, और जो आई का आउटर कॉर्नर होता है वहाँ पे, इसको और भी ज़्यादा डार्क करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा स्मोकी लुक आएगा, और काफ़ी अच्छे से इसको फिर बाद में ब्लेंड करेंगे। और उसके बाद हमने सेम कंसीलर लिया है, और पेंसिल ब्रश की मदद से आपको यहाँ पे कट क्रीज बनाना है। तो कट क्रीज बनाना दोस्तों सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, इसको सीखना पड़ेगा आपको, लगभग 3 से 4 बार करने में, फर्स्ट टाइम पे नहीं होगा। तो इस तरह से हमने आधे लीड पे इसको बहुत ही अच्छे से कट क्रीज बना लेना है, और फिर सेम कंसीलर से हमें फ्लैट ब्रश की मदद से इसको काफ़ी अच्छे से पेंट कर देना है, जितना भी आपको कट क्रीज चाहिए। तो यहाँ पर मैं हाफ लीड पर इसको बहुत ही अच्छे से लगा ले रही हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पर फिंगर टिप की मदद से दोनों जो ब्लैक शेड है उसको काफ़ी अच्छे से करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जो हमने लेना है ये है
सिल्वर कलर का यहाँ पे सिमरी शेड है और आंखों का इनर कॉर्नर है वहाँ पे हमें लगाना है। तो जब तक आपको डिजायर कलर नहीं मिलता तब तक आपको फ्लैट ब्रश की मदद से काफ़ी अच्छे से इसमें लगा लेना है। अब उसका दूसरा कलर हमने लेना है, ये हमारा है दोस्तों ब्राउन्जी सिमरी कलर है, ब्राउन्स कलर का है और बहुत ही खूबसूरत सा शेड है। तो मिडिल का जो आईलिड है वहाँ पर हम इसको काफ़ी अच्छे से लगाएंगे और जब तक आपको डिजायर कलर नहीं मिलता तब तक लगाना है और सिल्वर कलर के साथ इसको ब्लेंड करते हुए काफ़ी अच्छे से लगाएं। अब लास्ट में हमने जो ब्लैक शेड बचा है वहां पे हम हल्का सा ब्राउन कलर लेकर के और सिमरी कलर जो है हमने लिया ब्रॉन्जी कलर और ब्राउन कलर को लेकर के काफी अच्छे से मर्ज करेंगे जिससे बिल्कुल भी कोई हार्श लाइन ना दिखे। और फिर यहाँ पे हमने सेलो टेप को काफी अच्छे से हटा देना है। आप देख सकते हैं कितना क्लीन मिला हुआ है हमारा जो आंखों का मेकअप है और साथ में फेस को काफी अच्छे से क्लीन करेंगे। जितने भी आई शेडो वगैरह गिरे होंगे उसको हटा देते हैं। उसके बाद लेते हैं NYBE का प्राइमर है। तो अपने फेस को दोस्तों प्राइमर करना बिल्कुल भी नहीं भूले क्योंकि प्राइमर जो होता है आपके पोर्स वगैरह फाइन लाइन्स वगैरह को काफी अच्छे से फिल करता है और आपके फेस में स्मूदिंग करता है, आपके फेस को स्मूद करता है जिससे मेकअप कोई भी फाउंडेशन या कुछ भी लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी देर तक रहता है। NYBE का यहाँ पे मैंने कलर करेक्टर लिया है और ये काफी अच्छा है दोस्तों, ऑरेंज शेड का है। तो जहाँ पे भी आपको डार्क सर्कल ज्यादा है, डार्क दाग धब्बे ज्यादा, थोड़ा सा मतलब फेस मिसमैच है तो इसको काफी अच्छे से लगा ले और फिर इस तरह से फिंगर टिप की मदद से बहुत ही अच्छे से इसको जल्दी से मिला ले। फिर इसके बाद इसको काफी अच्छे से कंटूर सॉरी कोई भी आप कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको सेट कर ले ताकि ये बिल्कुल भी ब्लेंड ना हो आपके फाउंडेशन में। उसका मैबलिन का फिट मी फाउंडेशन है 330 शेड नंबर है जो कि मेरा स्किन टोन के हिसाब से बहुत ही फिट होता है। अगर आपका डार्क टोन है तो ये वाला जरूर ट्राई करें। और उसके बाद यहाँ पे मैं फिंगर टिप की मदद से पूरे फेस पे गर्दन पे सभी जगह लगा लूंगी और फिर इसको ब्यूटी स्पंज की मदद से बहुत ही अच्छे से टैप टैप करके ब्लेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं कंसीलर की ओर। तो कंसीलर यहाँ पे मैंने डार्लिंग आशाबेला का लिया है, ये हम लगाएंगे आंखों के नीचे और होंठ के चारों साइड, नाक के ऊपर, फोरहेड पे। ये आपको जो क्या करता है, 2-in-1 काम करता है, आपके फेस में हाईलाइट भी करता है, आपके फेस में थोड़ा सा सेंटर ऑफ फेस को हाईलाइट करने का काम करता है और साथ के साथ ही आपके डार्क सर्कल वगैरह को भी काफी अच्छे से हाइड करता है। तो काफी अच्छे से इसको लेकर के और फिर यहाँ पे ब्रश या फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से काफी अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। फिर इसको सेट करेंगे, कलर बार का कॉम्पैक्ट पाउडर है तो टैप टैप करके पूरे फेस में काफी अच्छे से इसको सेट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे लॉरियल इनफ्लेमेबल का मेकअप फिक्सर है, इसकी मदद से अपने बेस मेकअप को बहुत ही अच्छे से फिक्स करेंगे ताकि जो फाउंडेशन वगैरह काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो और आपके फेस में काफ़ी अच्छे से वो लॉन्ग लास्टिंग तक सेट रहे और ब्लेंड कर लेंगे इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। उसके बाद हमने जो आई शेडो लिया हुआ था ब्राउन डार्क ब्राउन शेड का, उसको लोअर लैशन पे भी इस तरह से लगा लेंगे और स्मोक आउट करेंगे जिससे आपका बिल्कुल खूबसूरत और अट्रैक्टिव आंख दिखे। उसके बाद बेला बोस्ता का यहाँ पे मेरा ब्लैक कलर का बहुत ही अच्छा काजल है तो नीचे के वाटर लाइन पे और ऊपर के वाटर लाइन पे दोनों काफी अच्छे से लगाएंगे। आंख को क्लोज करके लगाइए तो काफी अच्छे से ऊपर के वाटर लाइन पे भी लगेगा और थोड़ा सा इसको ड्रैग आउट नीचे की ओर करेंगे जिससे काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लुक दिखे। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है। और फिर यहाँ पे मैंने लिया हुआ है मैबलिन का लिक्विड लाइनर है तो काफी अच्छे से इसको हम यहाँ पे विंग लाइनर क्रिएट करते हुए काफी अच्छे से लगा लेंगे। और उसके बाद मस्कारा लेंगे, यहाँ पे लैक्मे का आइकॉनिक मस्कारा है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है। इसकी मदद से अपने आंखों को जो लैसेस है उसको काफ़ी अच्छे से कर्ल करेंगे यानी कि नेचुरल जो आपके लैसेस उसको कर्ल कर ले और उसके बाद ही आप यहाँ पे फॉल्स लैसेस का इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पे फॉल्स लैसेस लगा रही हूँ, मैक का है, बहुत ही अच्छा फॉल्स लैसेस है, बिल्कुल नेचुरल सा लुक आएगा। और अगर आप ब्राइडल हैं तो थोड़ा सा कोशिश करें कि इसी तरह का लगाएं, इससे और भी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लुक लगे। उसके बाद मैबलिन का यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कंटूर पाउडर तो अपने फेस में कंटूर जरूर करें, दुल्हन है तो फेस को थोड़ा सुंदर धुंदर दिखाने के लिए कंटूर जरूर करें। तो यहाँ पे मैं जो है जहाँ पे आपके चिक बोन्स है उसके नीचे देखिएगा थोड़ा सा गड्ढा गड्ढा होता है वहाँ पे जरूर कंटूर करें और काफ़ी अच्छे से आपके यहाँ पे चिन वाला एरिया था इसको भी करें, फोरहेड पे करें और नाक को थोड़ा सा शेप देने के लिए इस तरह से मैं यहाँ पे फिंगर टिप की मदद से इसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का ट्रांसलूसेंट पाउडर है यानी कि लूज पाउडर है, इसकी मदद से अपने हमने कंटूर जो किया उसको काफ़ी अच्छे से हाईलाइट करेंगे, इससे कंटूर आपका काफ़ी अच्छा दिखेगा। और उसके बाद सेंटर ऑफ फेस में भी आप लगा ले इसको जिससे आपका फेस और भी ज़्यादा हाईलाइट दिखे, सुंदर दिखे, क्योंकि ब्राइड है तो ब्राइड के लिए सुंदर दिखना और भी खूबसूरत होता है, इसलिए सेंटर ऑफ फेस पे लगाएं और फिर जितने भी एक्स्ट्रा पाउडर इसको इस तरह से क्लीन कर ले ब्रश की मदद से। और उसके बाद चलते हैं हमारे ब्लश की ओर। तो कलर बार का बहुत ही खूबसूरत हमारा पिंक कलर का ब्लश है
तो इस तरह से थोड़ा सा फेस में स्माइल करके और साइड करके फेस को लगाएं। और ब्लश जो लगाना दोस्तों बहुत ही आसान होता है, आराम से अपने फेस को स्माइल करें और इस तरीके से आप लगाइएगा तो काफ़ी खूबसूरत सा ब्लश लगेगा। दुल्हन है तो ब्लश थोड़ा ज़्यादा करके लगाएं। उसके बाद हाईलाइटर यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, बहुत ही मैबलिन का बहुत ही खूबसूरत सा हाईलाइटर है, और फैन ब्रश की मदद से यहाँ पे गालों के ऊपर लगा लेंगे, होंठ के ऊपर लगा लेंगे, थोड़ा सा चिन पे लगा लेंगे, फोरहेड पे लगा लेंगे, और ब्रो बोन्स पे लगाएंगे, और आंखों के इनर वाला कॉर्नर होता है वहाँ पे लगा लेंगे फटाफट से। और अब फाइनल मेकअप की ओर चलते हैं दोस्तों। तो ये मेरा कलर बार का बहुत ही खूबसूरत सा हमारा लिपस्टिक है, हॉट रेड बोल सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत रेड है। इसको आप अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका परचेज लिंक, सभी प्रोडक्ट्स जितने भी मैंने यूज़ किया सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये वाला लिपस्टिक दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, हर तरह से बहुत ही खूबसूरत लगता है, ब्राइट है तो उस पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब चलते हैं अपने हेयर स्टाइल की ओर। तो यहाँ पर मैंने हेयर स्टाइल के लिए आप इस तरीके से देखिए पार्टीशन किया हुआ है, और थोड़ा सा पीछे इस तरह से बाल लेकर के काफ़ी अच्छे से इसको इस तरह से कॉम करके, और यहाँ पे जो है मैं लगाऊंगी एक पफ मेकर आता है, तो काफ़ी अच्छे से इसको पीछे इस तरह से डाल करके और फिर काफ़ी अच्छे से इसको सिक्योर करूंगी सेफ्टी पिन के साथ। और ये जो आगे मैंने बाल छोड़ा है इसको काफ़ी अच्छे से इससे ऐसे लूंगी, और फिर इसको यहाँ पे बैक कॉम्बिंग करना है मुझे थोड़ा सा बाल को एडजस्ट करके, और साइड में थोड़ा सा बाल इसे निकाल ले कानों के नीचे, जिससे और भी सुंदर और अच्छा लगे। और यहाँ पे फिर काफ़ी अच्छे से इसको हम सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे, और इसी तरीके से जो है हम दूसरे साइड का भी कर लेते हैं फटाफट से। और फिर उसके बाद हमने जो ये पीछे जो बाल रहा है यहाँ पे आप इसको जूरा बना सकते हैं, जूरा आप नॉर्मली कैसे भी बना सकते हैं, मैं यहाँ सिंपली दिखाने के लिए बना रही हूँ। तो सिंपली यहाँ पे जूरा बना करके मैं, और फिर उसके बाद अपने सारे ज्वेलरी वगैरह जितने थे मैंने वो डाल लिए हुए हैं, जैसे कि दुल्हन वगैरह को होता है नथ होता है गले में, जो भी आप बड़े बड़े सेट पहनते हैं वो पहन ले, कानों के झुमके पहन ले, और फिर बालों में गजरा लगाना बिल्कुल भी नहीं भूले अगर आप दुल्हन है तो। और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने रेड कलर का बहुत ही सुंदर सा बिंदी लगाया है और फिर बालों में गजरा लगाया है। तो बस ये रहा हमारा फाइनल लुक दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ये है दुल्हन, नई नवेली दुल्हन, अगर आप रेडी होना चाहते हैं घर पे, खुद से रेडी होना चाहते हैं और आपके पास सुंदर सुंदर ज्वेलरी हैं, गहने हैं, आप आराम से ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी ब्राइडल के लिए बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लगेगा। एक्चुअली मेरा डार्क स्किन है उसके हिसाब से मुझे ये लुक बहुत ही अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीक में आपको 3 दिन वीडियो मिलेगा, मंगलवार को, गुरुवार को, रविवार को, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और संडेज को शाम को 6:30 बजे, तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपने रिक्रिएट किया है तो इसको भी जरूर बताइएगा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे #किरणशंकर। तो आप सबसे फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।